आई एम श्योर कि आप सबने KGF चैप्टर 2 इतने ध्यान से देखी होगी जितने ध्यान से हम मार्वल और DC की मूवीज देखा करते हैं, क्योंकि KGF के मेकर्स ने छोटी छोटी डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखा है और इन डिटेलिंग की वजह से ही हम KGF को मार्वल और DC से कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं अपने पहले की वीडियोज में बोल चुका हूँ कि हम चैप्टर 2 के लिए उन दो सीन्स की वजह से ज्यादा एक्साइटेड थे, एक तो पुलिस स्टेशन वाला सीन और दूसरा क्लब वाला सीन। तो गाइस, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 में दिखाए गए वो दो सीन्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि KGF चैप्टर 2 में इन सीन्स को कहां दिखाया गया था और इन सीन्स से KGF के फ्यूचर का क्या हिंट मिलता है। तो बिना कोई देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने ये दो सीन कहाँ देखे थे। तो चैप्टर 1 में जब आनंद जी नरेशन कर रहे थे तब वो बीच बीच में स्टोरी के आगे की कहानी कहने लग जाते थे और इन्हीं ग्लिच के अंदर हमें वो दो सीन भी दिखे थे। तो इन सीन्स को देखने से ये तो तभी क्लियर हो गया था कि रॉकी बड़ा आदमी बनने वाला है और उसी टाइम से हम फैंस KGF चैप्टर 2 के लिए एक्साइटेड होना शुरू हो गए थे कि आखिर कैसे और कब रॉकी बड़ा आदमी बनेगा। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि KGF चैप्टर 2 में हमें ये सीन्स बिल्कुल नहीं दिखे, वो इसलिए क्योंकि ये सीन चैप्टर 2 के थे ही नहीं। आपको याद होगा कि जब आनंद सर इन सीन्स को बता रहे थे तब वो न्यूज चैनल के ओनर से पूछते हैं कि मैं आगे निकल गया था, तो वो कहते हैं कि बहुत आगे, जिसका मतलब साफ है कि KGF चैप्टर 1 में जो सीन हमें दिखाए गए थे वो चैप्टर 2 के थे ही नहीं। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इन सीन से क्या क्लियर होता है। तो अगर ये सीन KGF चैप्टर 2 में नहीं दिखाए गए तो ये सीन KGF चैप्टर 3 में आएंगे, तो वो कैसे, क्योंकि KGF चैप्टर 2 में तो रॉकी मर चुका है। अब यही तो हम सब मार खा गए, रॉकी अभी जिंदा होगा और इसका एक रीजन ये है कि इन सीन्स में हमें रॉकी दिख रहा है और ये सीन अभी आने बाकी है। और दूसरा रीजन ये है कि पुलिस स्टेशन वाले सीन में जब रॉकी के लोग आते हैं गन लेकर, वहाँ पर रॉकी के पास ऑलमोस्ट 5 हेलीकॉप्टर होते हैं और साथ में रॉकी रोल्स रॉयल्स चला रहा होता है, जबकि हमने KGF चैप्टर 2 में देखा था कि रॉकी के पास एक हेलीकॉप्टर है और वो मस्टैंग चलाता है। और इसी सीन से ये भी क्लियर हो जाता है कि रमिका सेन और रॉकी की डील हुई थी या फिर CBI एजेंट जो थे KGF चैप्टर 2 में उनके साथ रॉकी की डील हुई है, क्योंकि इसी सीन में रॉकी कहता है कि कानून को सोने की अंगूठी पहनाई है, वो झुकेगा भी और सलाम भी करेगा। तो ये क्लियर है कि रॉकी जिंदा होगा और उसका सोना भी उसी के पास होगा और उसके जिंदा रहने में या तो CBI एजेंट का हाथ होगा या फिर रमिका सेन का हाथ होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लब वाले सीन की। तो इस सीन में ये तो क्लियर हो जाता है कि KGF यूनिवर्स बन रहा है और सलार KGF से कनेक्टेड है, क्योंकि इस सीन में रॉकी सप्लायर से M16 ऑटोमेटिक गन ले रहा होता है और ये वही गन होती है जो रॉकी के लोगों के पास होती है पुलिस स्टेशन वाले सीन में, और सलार के पोस्टर में जो हमें गन दिख रही है वो भी यही गन होती है। तो ये भी क्लियर है सलार और KGF जुड़ी हुई मूवी है और सलार रॉकी का कमांडर बनेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि KGF तो चैप्टर 2 में ही तबाह हो गया था, तो अब किस जगह की कहानी आएगी। तो जैसा कि हमने देखा था पुलिस स्टेशन वाला सीन बैंगलोर का है, तो क्या पता स्टोरी अब बैंगलोर से ही जुड़ रही हो। ऑल्दो चैप्टर 3 में हमें रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स भी दिखेंगे। तो गाइज, ये थी एक छोटी सी फैन थ्योरी चैप्टर 1 के उन दो सीन से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो गाइज, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके हिसाब से ये दो सीन हमें कब दिखाए जाएंगे। तो गाइज, ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।